विदिशा की राजपूत धर्मशाला में छत्रानी इकाई द्वारा हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें क्षत्रिय महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूर्य के उत्तरायण होने पर राजपूत समाज की महिलाओं ने एक दूसरे को सुहाग का सामान वितरित किया, साथ ही 22 तारीख को अयोध्या में हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जश्न भी मनाया। इस पूरे कार्यक्रम में जागृति महिला मंडल, क्षत्रिय महासभा एवं करणी सेना की महिलाओं की मौजूदगी भी रही। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। आज हमने यहाँ पर करणी सेना परिवार की तरफ से हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम करा है। सभी छत्रानियाँ यहाँ उपस्थित हैं। उद्देश्य ये है कि समाज को इकट्ठा करना। कहीं ना कहीं राजपूत समाज की महिलाएं बाहर कम निकल पाती हैं, तो हम उनको यही प्रयास रहेगा कि ऐसे कार्यक्रम होते रहे तो सभी महिलाएं एकजुट रहें और कहीं ना कहीं सब मिलती रहे एक दूसरे से। आज हमारी छत्रानी इकाई, करणी सेना परिवार और अन्य संगठनों के माध्यम से आज 22 तारीख को जो राम जन्म भूमि में भगवान राम विराजे है, उसी उपलक्ष्य में आज हल्दी कुमकुम अखंड स्वाहाग के लिए आज छत्रानियों द्वारा ये राजपूत धर्मशाला में आयोजन रखा गया है। इस आयोजन में सभी छत्रानियों द्वारा एक दूसरे को स्वाग अखंड स्वाग का सामान वितरित किया जाएगा और राम जन्मभूमि में जो भव्य भगवान राम विराजे हैं, उसी खुशी को और ज़्यादा भव्य मनाने के लिए आज ये आयोजन किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।